हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी वाई दृष्टि वर्मा। देखिए, यूपी पुलिस 2018 यूपीपी 2018 के जो भर्ती है उसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया है तो आप पर भारी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। जो लोग भी यूपी पुलिस का ड्रीम देख रहे हैं, जो यूपी पुलिस की वर्दी का ड्रीम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर ये इनका पालन नहीं किया, आपने पहले से एक वार्निंग दी गई है यूपी पुलिस की तरफ से, आयोग की तरफ से, कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया है तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपको पेपर एग्जाम देने से भी रोका जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है पूरी न्यूज। यूपी पुलिस एडमिट कार्ड 2018 का विवरण। दोस्तों, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखें, प्रवेश पत्र में छपे विवरण को ध्यानपूर्वक देखें। अगर किसी तरह की त्रुटि आती तो जल्द से जल्द इसकी सूचना आधिकारिक पर्सन को दें। इससे अगर त्रुटि रह गई तो आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपको परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये देख लेते हैं हम इसके बारे में भी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो एंड बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी जॉब्स के नोटिफिकेशन और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस चला रही हूँ, UPPCS, UP SSSC, वीडियो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, RPF, इन सब के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है स्पीडी के लिए, तो आप वो भी जरूर देखें। हिंदी की सीरीज भी चल रही है, आप वो भी देखें। टाइम बहुत कम है इसलिए जो क्विक रिवीजन सीरीज है मैं वो चला रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है। डेप्यूटी गवर्नर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डिप्टी, सो इट्स अ प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है बिप्लव कुमार, अर्णव गोसाई, एस के चंद्रा या फिर डी महेश कुमार जैन। इसका आंसर आपको देना है कि इनमें से किसको डेप्यूटी गवर्नर हाल ही में बनाया गया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है पूरी न्यूज कि आपको अगर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए आगे मैंने अच्छे से लिखा है उसमें बताती हूँ। देखिए, यूपी पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड का विवरण है, इसमें यहां तक तो हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई त्रुटि दिखाई देती तो जल्द से जल्द इसकी सूचना आधिकारिक पर्सन को दे। अगर त्रुटि रह गई है और आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार का रोल नंबर, आवेदक का पंजीकरण, उम्मीदवार की श्रेणी, जन्म की तारीख, पिता का नाम, मां का नाम, परीक्षा, उम्मीदवार की फोटो या आवेदक पत्र, या फिर जो ड्रेस कोड जो बताया था इसका, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया है ड्रेस कोड करके, आपको क्या क्या पहन जाना है। हाई हील्स बिल्कुल नहीं पहन जानी है, जूते पहन के नहीं जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर नहीं जाना है, नहीं तो आपको डिबैरेट कर देंगे। डिबैरेट का मतलब आपको प्रतिबंधित कर देंगे कुछ सालों के लिए। SSC में भी 5 स्टूडेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है उनके मिस बिहेवियर के कारण और चीटिंग वीटिंग के कारण। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अब गवर्नमेंट और आयोग दोनों ही बहुत सख्त हो गए हैं, सारी इन कार्रवाइयों को वो अच्छे से करेंगे। तो चलिए, अगर आपकी कोई त्रुटि रह जाती है और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ देख रहे हैं, अब ये संपर्क लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिया हुआ होगा, ये नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है। तो देखिए, इसमें आपको फोन नंबर दिया है, फैक्स भी दिया है, ईमेल भी दिया है। इन केस अगर आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके नाम में, या आपके रोल नंबर में, या आपके रेसिडेंस में, आपके एड्रेस में, किसी भी चीज को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम, थोड़ी भी मिस्टेक होती है, आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि आयोग से गलती हो जाती है। अभी UPPCS में भी एक केस हो गया है, 2-3 केस मैं आपको बताऊंगी। इसमें एक व्यक्ति के साथ में उसने अपना जो ऑप्शनल था वो सोशल वर्क रखा हुआ था, बट आयोग ने उसको सोशियोलॉजी कर दिया, तो बेचारे के साथ में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना, उसने प्री निकाला मेंस के लिए, अब ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे ही आयोग के साथ में गलतियां हो जाती हैं, आप इनको नजरअंदाज मत कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
चकते फटे एकदम एकदम से बहुत ही जोश के साथ बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम दीजिएगा, और हमारी दुआएं आपके साथ में, जल्दी से सिलेक्ट होकर दिखाइएगा। और जो लोग प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 2015 का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें अगर जो लोग सिलेक्ट हो गए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आपको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पर दूसरे लोग बहुत ज्यादा इससे मोटिवेट होते हैं कि आप सिलेक्ट होते हैं, हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो एज ए मोटिवेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल्स गैलेक्सी वाई दृष्टि वर्मा। थैंक यू।